वेलकम टू माय चैनल लिटिल बर्ड्स। हाय किड्स, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नितिका, दी एंट एंड दी ग्रास होपर। आज मैं आपको एक एंट और एक ग्रास होपर की स्टोरी सुनाऊंगी। एंट, एंट मींस चीटी, ग्रास होपर, ग्रास होपर मींस टिड्डा। चीटी बहुत मेहनती होती है और ग्रास होपर बहुत आलसी है। चींटियां ठंड के लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं। समर सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, कड़ी धूप में भी चींटियां मेहनत करती हैं। तभी टिड्डा दिखता है, उसके ऊपर हंसने लगता है और बोलता है, मेहनत करने से क्या फायदा, मेहनत करने से क्या फायदा, मेहनत करने से क्या फायदा, मेहनत करने से क्या फायदा। बरसात का मौसम आ गया है, आसमान में ढेर सारे बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है। चींटियां जल्दी जल्दी अपना खाना लेकर अपने घरों की ओर बढ़ रही थी कि तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। खूब तेज की बारिश हो रही है, सारी चींटियां इधर उधर भागने लगी, सभी अपने घरों की ओर जाने लगी। भागो भागो, फिर से ग्रास हॉपर चींटियों के ऊपर हंसने लगता है। मेहनत करने से क्या फायदा। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, ठंड बस आने वाली है और ग्रासहॉपर ने कुछ भी खाना इकट्ठा नहीं किया है। लो, ठंड आ गई, स्नो पड़ने लगी है, हर तरफ स्नो स्नो है, सारे पेड़ सूख गए हैं, सब कुछ स्नो में कवर हो गया है। अब टिड्डा क्या करेगा, क्या खाएगा? चींटियां तो अपने घरों में छिप गई हैं, अब टिड्डे का क्या होगा? अगर मैंने आलस नहीं दिखाई होती और चींटियों की तरह मेहनत किया होता तो आज मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। अब टिड्डे को याद आता है कि चींटियां क्यों मेहनत करती थी। गर्मी, बारिश, हर मौसम में वो कड़ी मेहनत करके अपना खाना इकट्ठा करती थी। मेहनत करने से है फायदा, मेहनत करने से है फायदा, मेहनत करने से है फायदा। अब टिड्डे को हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस पता चलती है और वो चींटी के घर जाता है। नॉक 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 नॉक, चींटी अपने घर के बाहर आती है और टिड्डे को रोता हुआ देख करके पूछती है, क्या हुआ है ग्रासहॉपर, तुम रो क्यों रहे हो? टिड्डा कांप रहा होता है, उसे बहुत ठंड लग रही है और वो भूखा भी है। तो चींटी बोलती है, हमें टाइम यूज करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। चींटी, हर जगह स्नो ही स्नो है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं कांप रहा हूँ, प्लीज मुझे अपने घर में आने दो। चींटी ग्रास हॉपर को अपने घर ले आती है, उसे कंबल उड़ाती है और गर्मा गर्म सूप देती है पीने के लिए ताकि उसका ठंड कम हो जाए। ग्रास हॉपर सूप पीने लगता है। ग्रासहॉपर को अब अच्छा फील होता है और वो चींटी से सॉरी बोलता है। ग्रासहॉपर को चींटी पे हंसना नहीं चाहिए बल्कि उनके साथ मिलके अपने लिए भी खाना इकट्ठा करना चाहिए था। देखा बच्चों, अब ग्रासहॉपर को समझ में आई कि मेहनत करने से क्या फायदा होता है। हमने मेहनत किया सो आज ठंड के दिनों में हमारे पास खाना है और ग्रासहॉपर ने मेहनत नहीं की, आलस दिखाई, तो आज उसके पास ठंड में खाने के लिए खाना ही नहीं है और उसे मुझसे हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। उस टाइम अगर उसने मेहनत की होती तो आज ऐसा दिन उसे नहीं देखना पड़ता। चींटी बोलती है, ग्रासहॉपर तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, हमारे लिए भी एक गाना सुना दो।
मेहनत करने से है फायदा, 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 मेहनत करने से क्या फायदा, मेहनत करने से है फायदा, मेहनत करने से है फायदा। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कड़ी मेहनत हमेशा फल देती है। समय का सदुपयोग करना चाहिए।